क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे का वजन कम है या ज्यादा है? नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण एस पबरी, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, बच्चों में ग्रोथ की स्पेशलिस्ट, हॉर्मोन्स की डॉक्टर। आज आपसे बात करूंगी, क्या आपको लगता है आपके बच्चे का वजन सही नहीं है, कम है या ज्यादा है के बारे में। देखिए, बच्चों के ग्रोइंग ईयर्स में हाइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है बजाय वेट के। यदि आपके बच्चे की BMI, मतलब आपकी उसकी हाइट ठीक है और उसका BMI ठीक है और बट उसका वेट लोअर साइड में है, तो यह फिर भी एक्सेप्टेबल है और बच्चा सिर्फ पतला दिखता है, चिंताजनक नहीं है। स्पेशली चिंताजनक नहीं है अगर हाइट ठीक बढ़ रही है तो। लेकिन यदि उसकी हाइट भी ठीक नहीं बढ़ रही, वजन भी नहीं बढ़ रहा, तो ये डेफिनेटली किसी न किसी अंडरलाइंग बीमारी का प्रमाण हो सकता है, जिसके लिए आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर, हॉर्मोन्स के स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। और आज के ज़माने में, स्पेशली ये कोरोना के टाइम में जो हमने देखा है, जो ज़्यादा पेरेंट्स जिस चिंता के साथ आ रहे हैं कि बच्चों का वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है, बच्चे मोटे हो गए हैं, एक्चुअली दिस इज़ ट्रू। स्पेशली पिछले एक दशक में ये देखा गया है, ओबेसिटी का इंसिडेंस लगभग 30% बढ़ गया है। आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर घरों के बच्चे ही मोटे होते हैं, वो बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनमें भी मोटापा बढ़ रहा है। उसका कारण है हमारा खान पान, रहन सहन में जो ये डिसबैलेंस हो गया है। हम जो बच्चे जो कैलोरीज लेते हैं और जो आउटपुट रहता है उसमें ये जो डिसबैलेंस हो गया है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम यही कारण है मोटापे का। हालांकि मोटापा और भी कई बीमारियों से होता है, कई सारे एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स, हॉर्मोन्स के प्रॉब्लम मोटापे का कारण हो सकते हैं। जिस नाम लेने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड की प्रॉब्लम, कुशिंग्स डिसऑर्डर, ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर्स, या फिर कुछ और भी बीमारियां। लेकिन जो ज़्यादा कॉमन कारण है मोटापे का, वह है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिसको हम न्यूट्रिशनल ओबेसिटी या एक्सोजेनस ओबेसिटी कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट आपके हाथ में है एज अ पेरेंट। आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कुछ चीज़ें, कुछ मैसेजेस जिनका आप ध्यान रखिए और आप बच्चे की वेट को एक नॉर्मल वेट की रेंज में मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको सलाह दूंगी कि बच्चे की स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करिए। रात के 9 या मैक्सिमम 10 o'clock के बाद बच्चों को नहीं जगने देना चाहिए। 8 to 10 hours की स्लीप एट अ स्ट्रेच बच्चों के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और उनको सही टाइम पे सुलाना, सही टाइम पे जगाना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जो एक कहावत है उसको फॉलो करिए। एक बैलेंस्ड डाइट उन्हें देनी है, सही टाइम पे, सही मात्रा में और सही चीज़ देना। सही टाइम से मतलब है 3 times के जो मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसके अलावा यदि बच्चे डिमांड करते हैं तो एट मैक्स आप उन्हें कोई सीजनल फ्रूट दे दीजिए या फिर कोई माइल्ड स्नैक्स दे दीजिए। ये जो आदत होती है कॉन्स्टेंटली, बच्चे ने बोला मम्मा भूख लग रही है, आप उसे एक पूरा बिस्किट का पैकेट पकड़ा देंगे, पूरी चिप्स पकड़ा देंगे, या बच्चे टीवी देख रहे हैं और साथ में खाते रह रहे हैं, ये सब बेसिकली आप उनके बॉडी को तैयार कर रहे हैं मोटापे को पनपने देने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं इन पे आप प्लीज़ एक वॉच रखिए और सतर्क हो जाइए ताकि आपका बच्चा मोटापे का शिकार ना हो। उनकी जो खाना है उसमें आपको कलर्ड फूड देना है। कलर्ड फूड से मेरा मतलब है जो नेचुरली कलर्ड फूड है। एक प्लेट कलरफुल दिखनी चाहिए, वो प्लेट बच्चे को जितनी अट्रैक्ट करेगी उतनी ही उसके लिए न्यूट्रिशियस भी होगी। उसकी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन बढ़ाइए और जो ये प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स हैं इनको अवॉइड करिए। इसके अलावा स्क्रीन टाइम कम करना है, मतलब कि उनको लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, किसी भी फॉर्म में वो देखते हैं किसी भी तरह की स्क्रीन, उसको आपको कम करना है। WHO कहता है कि पूरे दिन में 1 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं समझती हूँ कोरोना पीरियड चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, इस वजह से बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, बट उसे हमें बैलेंस करना है उनकी लाइफस्टाइल से। बाकी जो उनका टाइम है उसमें हम उनको जो लेजर एक्टिविटी है, उनका जो टीवी देखने का टाइम था, मोबाइल पे गेम खेलने का टाइम था, उसको बैलेंस करें और फिज़िकल एक्टिविटी जिस भी फॉर्म में बढ़ा सके वो बढ़ाएँ।
एक मैसेज मैं देना चाहूँगी इस वीडियो को देखने वाले दादा दादी और नाना नानी को। ज़्यादातर पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स यही बोलते हैं, मैडम हम तो नहीं देते बट दादी दे देती हैं, नानी दे देती हैं। और वो ये भी कहते हैं कि भाई खाने पीने की उम्र है, अब नहीं मोटा होगा तो कब होगा। देखिए, साइंस ने ऐसा प्रूफ कई बार कर चुके हैं कि यदि आपका बच्चा अभी मोटा है तो वो हमेशा ही मोटा रहेगा। उसका जो BMI है वो हमेशा ही हायर साइड में रहेगा, जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चा पतला दिखना चाहिए, लेकिन यदि उसका BMI अप्रोप्रिएट नहीं है तो आपको सही तरह से उसको एड्रेस करना चाहिए और उसके बड़े होने तक का वेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ उसका शरीर अभी कई बीमारियों की खान बन जाएगा, जो हाँ आई एम श्योर आप में से कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते। तो टू एंड विद, यदि आप में से किसी को मुझसे कोई सवाल पूछना है, कोई क्वेरीज हैं या कुछ सजेशंस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे मेरा ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग एंड धन्यवाद।